जब भी विपिन सर को सुनते हैं तो वो कहावत याद आ जाती है। कहावत जो है कि भगवान और गुरु खड़े हैं तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। तो आज के एरा में विपिन सर को ही वो कहावत सूट होती है। ये तो पूरा कॉन्फिडेंस है, हुसैन एकेडमिकली बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जो चेंज इसमें आया है कि अभी जब घर से निकलता है तो पाँव छूता है, जब भी सुबह उठता है पाँव छूता है, तो वो जो चेंज है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम तो विपिन सर ने कर दिया है। हर कोई प्रोफेशनल है, कहीं भी जाओ, इवन इन एजुकेशन ऑल्सो आई मीट ओनली प्रोफेशनल्स। विपिन सर को मिलते हैं तो उनके जो थॉट प्रोसेस है तो वो ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशन इज़ वन थिंग बट वो बच्चों में वो वैल्यू क्रिएशन की जो बात करते हैं, लाइक जब बोलते हैं कि आप मैंने उनके सेमिनार सुने तो उसमें ऐसा जब बोल रहे हैं कि आप जाके मदर को हक करो, उनको थैंक यू बोलो, और जो हुसैन ने कभी नहीं किया होगा और जब आके बोलेगा तो वो पूरे घर में हम सबके लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। और जब वो बोलते हैं कि आप जाके आपके फादर के चरण स्पर्श करो, वो तीर्थ यात्रा की तरह है, तो वो जब आके अगर इस तरह से रिस्पेक्ट करेगा तो वो एक अलग रहेगा कि चलो आप कुछ नई चीज़ सीख के आ रहे हैं, जो रूटीन वो नहीं होती है घर में, आजकल नहीं होती, हमारे यहाँ भी नहीं होती है और दूसरे के यहाँ भी बहुत कम होती होगी। तो वो एक वो वैल्यू क्रिएशन, तो एक वैल्यू क्रिएशन जो है वो मुझे विपिन सर को जब मैं सुनता हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सब जब बच्चों को मिल रहा है तो माई चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स विद विपिन सर। लेकिन आज विपिन सर ने हुसैन मेरे बेटे में ये हैबिट इनकलकेट कर रहे हैं कि घर से बाहर निकलोगे, वेन एवर यू स्टेप आउट ऑफ द होम, आप घर फैमिली में पेरेंट्स को बता के जाओगे कहाँ जा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एज अ पेरेंट्स में कहीं ये मिस कर रहा हूँ, लेकिन आज इसमें ये एक आदत अगर ये आई है तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टीचर हैज़ अ यूनिक वे ऑफ टीचिंग। विपिन सर पढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि वो किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते, वो अपने बेटे या बेटी को ही पढ़ा रहे हैं, और बाकी टीचर्स ऐसा नहीं कर पाते। दूसरे टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक अपना सब्जेक्ट कवर करते हैं। विपिन सर जब पढ़ाते हैं या उनके कोई लेक्चर्स होते हैं तो वो एक ऐसा इम्पेक्ट छोड़ते हैं कि वो लगता है कि बच्चों को लगता है कि यस वो लाइफ में करना ही चाहिए तो ही उस आगे बढ़ेंगे और वो इट विल मेक अ डिफरेंस। तो वो मुझे लगता है कि जो उनका तरीका है वो यूनिक है। मतलब विपिन सर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो पहले वो खुद उसको प्रीच जो प्रीच करते हैं वो पहले खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो एग्जांपल सेट करते हैं जैसे फेसबुक व्हाट्सएप जैसे वो विपिन सर यूज़ नहीं करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया और आप ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इन सबसे दूर रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि जो आप प्रीच कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो और स्टूडेंट्स फिर तुरंत उसको फॉलो करते हैं। मेरा बेटा एग्जांपल है, पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया से दूर है। थैंक यू विपिन सर टू ब्रिंग द चेंज इन माय चाइल्ड, और मुझे लगता है कि माय चाइल्ड इज़ इन सेफ हैंड्स, और ये बहुत अच्छा करेगा एकेडमिकली तो अच्छा करेगा ही, बट एट द एंड ऑफ द जर्नी ही विल कम अप विद अ गुड ह्यूमन बींग जो मुझे चाहिए। थैंक यू।